हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं पहले के कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ, पहले के कुछ वीडियोस दिखाने वाली हूँ, जब हमारे डीन कौन थे, तो विनोद जैन सर थे। तो उनके निगरानी में ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन जो है आयोजित हुआ था, यानी कि जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन के बाद जब कॉलेज खुला था, तब वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जो कि ऑनलाइन हुआ था। हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन थे, यानी कि हम लोगों ने यहाँ का प्रोग्राम किया था और जितने स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और मोस्टली जो और स्टाफ भी होंगे, वो सारे जो है ऑनलाइन उसको ज्वाइन करके देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम हुआ था और ये देखिए प्रोग्राम का भी तैयारी है। तो देखिए, और एक क्लिप था मेरे पास जो कि मेरा ही स्पीच का था, पोएट्री का था। तो यहाँ पे मैंने पोएट्री की थी। मुझे पोएट्री वैसे आती तो है नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि कभी कभी पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो जाता है, तो वैसे ही बस मुझे नाम के लिए मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था, तो वही था। तो यही है कि कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन पार्टिसिपेट करो, कुछ तो सीखोगे ही, वही चीज़ है। तो मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन ठीक है, बोलने के लिए सीखना पड़ता है। ठीक, अगर हम नहीं जाएंगे कभी स्टेज पे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आता है बोलना कि नहीं आता है। नहीं भी आता है ठीक है, कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो वही धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे मैंने भी बहुत कुछ सीखी, क्योंकि मुझे पहले बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था, मतलब मैं ज़्यादा स्टेज प्रोग्राम करती नहीं थी। अगर मुझे थोड़ा बहुत आता भी है, फिर भी मैं डरती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो होती हैं अपने आप आने लगे। तो इसी तरीके से आपके लिए एक लेसन है कि आप लोग भी किसी चीज़ से हेजिटेट मत करिए और ये मत सोचिए मैंने कभी किया नहीं। हो सकता है वो टैलेंट आप में हो और आप हेजिटेट कर रहे हो कि अरे मेरा इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा आता किसी को नहीं। अगर आप सोचें कि सबको बहुत आ रहा है मुझे नहीं आता, अगर ये सोच कहीं अगर आप छोड़ दें, तब तो फिर क्या ही कहना। तो इसी तरीके से हर चीज़ करिए।